आपको देखते हैं तो हमारे छोटे से स्टूडियो में आप आए तो बड़ा माहौल बदल गया। तो ये है मोहम्मद अया साहब, इनकी क्या तारीफ करना, तारीफ करने के लिए पास मांगे आज ये हम इनके आइडल भी हैं। मैं इनका आइडल है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये आदमी, ये सिंगर, ये हमारे सोलापुर का नाम, एक मंजू ग्रामीण भाग से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से बहनों बम्बई, हमारे सोलापुर का नाम इन्होंने रोशन किया। कला सिंगर है, मैं सिंगरों से गुजारिश करता हूँ, मैं तो हमेशा इनको आइडल मानता हूँ क्योंकि ये चीज जो रहती है वो हमेशा तरक्की के लिए काम करना होता है। जो चीजें हमारे मोहम्मद अया साहब ने क्या बताया, हमारे पास अल्फाज नहीं थे, ऐसे कोई शख्स रहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत वो हम उनसे ही जाने के बाद हमें मुख्तसर जो भी बोल रहा हूँ सुपर सिंगर साहब है, महाराष्ट्र की आवाज है और बुक बुक यूनिटी में बुक जो एक रिकॉर्ड वर्ड दिया जाता है उनको भी उसका भी एक तमगा मिला है और बहुत सारे ऐसे इनाम है, बेहिसाब इनाम है। हमारे सोलापुर का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया है, आज भी सोलापुर में भी प्रोग्राम करते हैं बाहर ममालिक में बड़े बड़े प्लेबैक सिंगरों के साथ, बड़े बड़े प्लेबैक जो क्या आशा जी के साथ उन्होंने गीत गाया है, ये कितनी बड़ी बात है। और प्लेबैक सिंगर जितने भी गाया गया है ऐसे सिंगरों के साथ और हस्ती देखो कि कोई साथ की हस्ती है, हमें तो थोड़ा मिल जाता है और इना करते हैं, लेकिन एक ग्रामीण भाग से लेकर वहां तक जाकर फिर ममालिक में सऊदी में क्या कहेंगे स्विट्जरलैंड, कोई कई नाम है मैं मालूम नहीं, बैरून ममालिक में आज भी प्रोग्राम करते हैं। मेरी ये खुशी नसीब भी है, मैं कई दिनों से उनकी तारीख ले रहा था कि मोहम्मद अया साहब मेरे स्टूडियो में आइए, पहले मेरा छोटा स्टूडियो था तो उन्होंने मुझे याद किया था कि आता हूँ एक बार जरूर आता हूँ, फिर मैंने एक माह से एक करके अपने स्टूडियो में याद आया, गुजरे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं उसका हाल भी सुनने मिलेगा, हमारे सुनने को मिलेगा। तो मैं फिर एक बार मोहम्मद अया साहब का उनके भांजे उनका मैं आवाज छोड़े की ओर से और हमारे तमाम जो यहाँ पर बैठे हैं बैंकर से ऑफिसर से बिजनेसमैन से टीचर से हम उनके तरफ से आपका हर बार करते हैं सम्मान और हमारी बहुत ही खुशी होती है कि ऐसी हस्ती आई है, मेरे को दिल बहुत बाग बाग रहा है कि मैं ऐसे शख्स को यहाँ पर बुलाकर यहाँ पर मैं उनको सत्कार कर रहा हूँ या उनको इज्जत दे रहा हूँ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे लिए। तो मैं हमारे जाकिर बीजापुरी साहब से कहता हूँ आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आवाज स्टूडियो सोलापुर जिसके प्रोप्राइटर मोहम्मद हुंडेकरी सर है, जिन्होंने सोलापुर के गायकों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है और आज इस स्टूडियो में हमारे प्लेबैक सिंगर जो हमारे सोलापुर की आन बान शान है, सोलापुर में नहीं बल्कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है मोहम्मद अया साहब, इनकी तारीफ करना इनके तारुफ करा के देना बोले तो सूरज को आईना दिखाने की तरह है। फिर भी हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जो है हमारे मेहमान की खुसूसियात बताना हमारा फर्ज होता है। जनाब मोहम्मद अया साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड कम्युनिटी प्राइज विनर है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, साथ ही साथ में उन्होंने शाम टीवी पे जो महाराष्ट्र की आवाज पर वो प्राइज फर्स्ट प्राइज विनर है, साथ ही साथ आशा भोसले साहब मैडम जो है जो प्लेबैक सिंगर जो सालों से फिल्म लाइन में है वो इन्हें बेटे की तरह मानते हैं और इन्होंने उनके साथ डुएट भी किया। मेहनत हमेशा मेहनत करने वाले इस फिल्म लाइन के आवाज की लाइन में मोहम्मद सर उनके स्टूडियो में मुझे भी इस पहली मतलब आने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ मोहम्मद अयाज जैसे महान प्लेबैक सिंगर स्टेज सिंगर के साथ उनके साथ आज इस प्रोग्राम में आने का मुझे मौका मिला। वैसे तो मेरे ट्रस्ट आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के मैं सेक्रेटरी हूँ, वो उसमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमें तो मैं आवाज सूर्य की तरफ से उनका छोटा सा सत्कार और कुछ भी नहीं लेकिन आए ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं हमारे दामन से गुजारिश करता हूँ कि उनका सत्कार करें।
हार डाली, जोरदार तालियां बजाई उन्होंने, हार डाली। आप आए इस महफिल में खुदा की कुदरत आई, आप आए इस महफिल में खुदा की कुदरत आई, कभी हम आपके हिंदू कभी इस महफिल में जितने भी बैठे हैं तारीफी काबिल सब बड़े लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं आप लोग, आप भी सब एजुकेशन फील्ड से हैं, हमारे गॉस भी हैं, आप सब अभी हमारे मोहम्मद सर इतनी तारीफ करें कि क्या मुझे मतलब इतना बड़ा नहीं हूं मैं, नौज़ बिल्लाह अल्लाह बड़ा है, तो आपने हौसला अफजाई के लिए चार शब्द कहे मेरे, क्योंकि इंसान कलाकार हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो कलाकार ही होता है, तो इसलिए हम सब एक ही कश्ती में हैं, एक ही नाव पे सवार हैं, आगे पीछे हैं यार सर कैप्टन नहीं लेंगे एक्चुअल सर ने जिक्र किया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड कम्युनिटी रिकॉर्ड के तौर से मुझे जो जागतिक नामांकन जो मिला म्यूजिक में, बहुत से लोगों को यह सवाल पड़ता है कि ये कैसे है? कोई भी रिकॉर्ड करने के लिए एक पैटर्न होता है, रिकॉर्ड का एक तरीका होता है, तो मैंने एक तरीका अपनाया। मैं जब रियलिटी शो में था मुझे ये सब जैसे आशा जी, उषा जी, जगत मुनिश्वर जी, अनुप जी, सूरज जी, मुदित जी, अनुद पड़वाल, साधना सरगम जितने भी सब मराठी के जो दिग्गज है जिसको संगीत के दादा कहते हैं, उसमें पंडित केशव जोश है, जगदीश कोबुरकर, लता मंगेशकर, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं सब, तो ये सारे सब मुझे प्यार मिला और मेरा एक नम्रपना बोलो या मराठी के प्रति जो प्यार था, एक मराठी चैनल पे मी मराठी जैसे चैनल मैं एक मात्र हूं पूरे महाराष्ट्र में, ये मोहम्मद अयाज नाम का कोई है जो महाराष्ट्र का महागायक बनाएगा, बाकी तो कैसे है? और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सब लेजेंड है, अभी बच्चों के लिए कैसा है मोदी जी आते हैं, अलका जी आती है, सोहन जी का माता है, शान आता है, मगर मुझे ये मंगेशकर परिवार का दुआ मुझे सहारा मिला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आसान नहीं है, महागायक महागायक नहीं, लाखों लोग हजारों लोग ऑडिशन देते निकल जाते हैं, अल्लाह का करम है मैं सिलेक्ट हो गया, मैं तो सुन सुन के गाता हूँ, मैं मेरा कोई ऐसे लोग घंटा बदन क्षत्रिय तबला पीट लेके मैं जो अल्लाह ने जो मुझे गॉड गिफ्टेड मिला अल्लाह ने मुझे जो मिला उसको मैं चला, मेरे अपोजिट में जो थे बच्चे सब वो 15 साल 10 साल 12 साल, कोई अजय फोन का शागिर्द, कोई सुरेश वाडकर का शागिर्द, कोई संजीव आपेंकर का शागिर्द, ऐसे सब मेरे पार्टिसिपेंट मेरे साथ थे, तो मैं रफी साहब का मैं मेरे हमारे साहब हैं मेरे पीछे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुरु ये हैं, तो ऐसे करते करते मैं अपने आप को थोड़ा सा उनके आ गया कि वो बहुत एक्सपीरियंस मिले, बहुत प्रॉब्लम आए, बहुत प्रॉब्लम फेस किए, तब जाके उन तक पहुंचा हूं, वरना ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वहां तक पहुंचना ना मुमकिन, इंटरेक्ट नहीं करते साहब किसको, कोई एमएलए भी आया ना तो बोलो उसको जरा बोलती हूँ फोन करके, अगर मेरे डायरेक्ट संबंध उनके साथ किचन में बैठता हूँ उनके साथ खाना खाता हूँ चाय पीता हूँ, बस ये मेरी असल कमाई है, रही बात मेरी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कम्युनिटी जो मुझे जागतिक नामांकन जो मिला, मैंने एक एल्बम बनाया था, मेरी ख्वाहिश थी कि ये लोगों को जो गवाते हैं रहमान साहब, लक्ष्मण लाल, मदन जी, नौशाद साहब, तो मैं बोला कि मैं भी एक संगीत ऐसे ट्राई कर सकता हूँ,
मैंने एक एल्बम बनाया मेरे कंपोज में, मैंने 10 लोगों को गवाया एट ए टाइम, ये सब लेजेंड है, सब जो पद्मश्री पद्मभूषण ऐसे लोगों को मैंने गवाया मेरे संगीत में। तो वो एक मंच पे मतलब एक एल्बम में गवाना, एक साथ एक बैच पे उनको लाना, उनको गवाना, और एक खेड़ा मर गया क्षेत्र जैसा बैकग्राउंड कुटले संगीत से नहीं, तो ये सब दखल लेके मुझे वो ये बात है। रोज तो रिकॉर्ड होते हैं, गाते हैं, चलते फिरते, बट आज भी आप गूगल में डालेंगे तो इतने सिंगरों को एक साथ गवाने वाला मैं हूँ। अभी भी गूगल पे भी वो नाम आएगा, हाँ नहीं मतलब मैं इतने एक साथ गवाना सर। और वो भी वो ऐसा एक मुस्लिम रह के हिंदू से पे काम किया, मैंने एक भजन का मैंने एल्बम बनाया था। तो एक मुसलमान राष्ट्रीय गाना बोलो, कौमी एकता बोलो, सामाजिक बांधिल के बोलो, ये कुठे ना कुठे दखल घेत असतात। तरी प्रॅक्टिकल मी बोलतो तो बहुत सारे हमारे क्या किरण सर को भी सवाल पड़ा होगा, किरण जी गेले का, हाँ कसं असतं थोडस असं डोक्यामध्ये येत असतं की अरे असं कस काय, आम्ही पण गातोच की, हिने पण गातोच की, तिने पण भारी गातोच की, परंतु पूर्ण 6 महिने लागते असतो ये सर पडता नाही सर। मेरे इसके लिए जी भी फोन किया इन्होंने, ये मुलगा बरोबर एल्बम वहां से रिलीज होता जी से, वो सब सोच करके सब करके रिकॉर्ड लेके रिपोर्ट लेके तब लोग सब टाइम लगा रहता है, ऐसा कोई ऐसा पॉसिबल नहीं दिया ऐसा नहीं। तो इसीलिए बहुत से लोगों को सोलापुर में इंटरेस्ट की शुक्र है, किसी को नहीं, और किसके पास टाइम आज किसके बारे में सुनने के लिए, तारीफ मेरी सुनने के लिए आपके पास टाइम कहा है, तो किसी को बड़ा बनाने के लिए दिल होना चाहिए जैसे मोहम्मद सर के पास है। क्यों किसकी तारीफ करना भाई, क्यों तारीफ करना है? तो ये सब प्रैक्टिकल ऐसा चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सुमंतशा जिल्ल मुंतशा, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जिल्लत देता है, तो उसके शुक्र है हर पल पल पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कामयाबी देना तो उसके हाथ है। रफी साहब भी चले गए, खूब चले जा रहे हैं, ये तो लेजेंड है, इनको तो भारत का ना छोड़ो विश्व रत्न मिलना चाहिए, ये आदमी ऊपर विषय तक रुक दिया, उदित नारायण इनकी एक लेवल है ऐसा करके बेटा, जबकि ये हिंदुस्तान का ये बॉर्डर है, ये क्या है। तो मैंने कई प्रेस मीट में बोला मैंने कि रफी साहब ना और भारत रत्न मिला लगा जी, अगर देने मिला जाए मैं अभी मारा है ना, बोले देने सोबत से काम किया लेते हैं सगड़े, रफी साहब था बोलकर लता जी बनी, लता जी थी बोलकर रफी साहब बने, तो ये दोनों में लेवल पे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीडिया से बोलो, मैंने बहुत अपील भी की, मैंने कहा ये होना चाहिए, हम कलाकार बोल रहे बाकी हम किसके बारे में नहीं बोल रहे, कोई खंत रहेगी हमेशा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा खंत रहेगी। मैं हर शो में बोलता रहता हूँ, इवन साउथ अफ्रीका में मैंने बोला, साउथ अफ्रीका में मैंने बोला, साउथ अफ्रीका में मेरा एक ऑडियंस बना है सिर्फ रफी साहब सुनते हैं, मेरे 22 गाने होते हैं, मेरे साथ 3-4 लेडी सिंगर होते हैं, तो हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह रफी साहब के चाहने वाले, तो उनके बदौलत उनके वो फॉलो करते करते जो गाना चला चल रहा है। और मेरी अपनी शनाख्त क्या है, हमार क्या है, बहुत बहुत कॉम्पिटिशन आज के दायरे में, आज देख रहे हैं आप कैसे कंपोजिशन आ रहे हैं, क्या गाएगा रहे हैं, 4 दिन में चलता गाना, 8 दिन में, 8वें दिन हम भूल जाते हैं क्या गाना है। तो इसलिए रफी साहब को गाते हैं बहुत है आपके लिए, बहुत क्योंकि सुकून है, मैसेज है समाज में, अच्छा मैसेज है ये, बाकी वाहियात पर है, इसमें क्या है शिर्क है, अल्लाह भी नाराज होते हैं, लोग भी नाराज होते हैं, समाज भी खराब होता है, तो वो गुनाह हमको नहीं करने का। तो इनके सिलेक्टेड गाने लेके मैं चलता रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। और नई गाँव की बात मेरी, मैं तो गाय बाहरे हाँता था गाँव गाँव खेतों में, हमारे अब अभी तो खेतों में ऐसा चाकरी रहा करते थे, जैसे कि आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, आदिवासी लोग आज 10 साल ये खेत पे जाके रहे, 10 साल वो खेत पे जाके रहे, 10 साल कामती बोल के यहाँ पे गए, वहां ऐसा करते करते अब अभी हमारी पूरी लाइफ निकाल, फिर उस पीरियड में हमारे सामने कोई ऐसी मंजिल नहीं थी कि हमको क्या बनना है। हर इंसान के लिए एक मंजिल होती है, एक टारगेट होता है, किसके माँ बाप होंगे, इनके माँ बाप यू नो है, तो इन्होंने उनके बच्चे के लिए सोचे कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहिए और क्या करना है। तो हमारे सामने पूरा अंधेरा था, क्योंकि ऐसा अंधेरा था कि खाली रोटी मिलती कि नहीं, आज की आज का दिन वो ऐसा था, तो इसलिए हमारे ख्वाब में भी नहीं था कि हम कुछ बनना चाहिए, वो हमारा हमको कभी याद भी नहीं, बट अल्लाह ने उठाया
उठ बेटा, आने वाले करने की आवाज मस्जिदों के आने वाले आजा। मैं वो सब करते करते यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से फिर बॉम्बे, बॉम्बे से फिर, तो ये जहां जहां मैं रुका, जहां मेरे स्टेशन थे, वहां पर बहुत तकलीफ झेला मैंने। मुझे मेरे अपने भी तकलीफ दिए, घर भी तकलीफ दिए, बट वो जरूरी था। अल्लाह ताला ने उसमें से मुझे ऐसा निकाल दिया, बहुत तकलीफ थी। वैसे किससे बहुत है कि बोलते बड़े हो तो किताब बताइए सर, है ना। तो यही कहूंगा सारे जितने भी कलाकार सब अच्छा गाते हैं, और बची हुई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही अच्छा संगीत, अच्छा म्यूजिक जिसमें शिर्क न हो, समाज का नुकसान हो, ऐसा संगीत सुनाए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सुलझे हुए हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ आपके साथ में, माशाल्लाह इतने अच्छे से बैठे हैं, है ना गौस भाई, बराबर है ना, सब सारे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए हैं। और सर ऐसे लगे रहिए आप, है ना, मेरा भी स्टूडियो है यहाँ पे छोटा सा, बट मैं आता जाता हूँ, मैंने किसी को दिया चलाने के लिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह होते रहती सब। तो बहुत शुक्रिया मैंने आप सबका, नाम तो नहीं लिया, सब आपके नाम मेरे दिल में है, यहाँ पे सब कोडले के लिए नहीं सकते चल रहे चुनाव, तो इसलिए नाम लेते हुए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते मैं ये गीत गीत डेडिकेट करता हूँ हमारे आवाज स्टूडियो के सभी सदस्यों के लिए और सभी सभी कलाकारों के लिए। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया अरे सौ बार शुक्रिया, सौ बार शुक्रिया अरे सौ बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ऐसा मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया मोहम्मद आया साथ में हमारे, एक लब्बैक एक दावत का लब्बैक, आपने कीमती वक्त लिया होगा।